आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। गणतंत्र दिवस पर जनपद भदोही के यशस्वी प्रधान पंडित मनोज ओझा, ग्राम सभा सीकी चौरा व ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान संघ डीग ने 73वां गणतंत्र दिवस पर जनपद वासियों को बधाई देते हुए कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की सैन्य शक्ति को लगातार मजबूत किया जा रहा है। हम इसका सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को एक नई दिशा और दशा प्रदान करते रहेंगे। राष्ट्र का परचम इसी तरह पूरे विश्व भर में लहराते रहेंगे। धीरे धीरे प्रधानमंत्री के प्रयासों से भारत के राष्ट्रीय गुरु बनने की झलक दिखाई देने लगी है और आशा ही नहीं विश्वास है कि जल्द ही भारत पूर्णतः विश्व गुरु की भूमिका निभाएगा। सैनिकों के सम्मान में बोलते हुए पंडित मनोज ओझा ने कहा कि हमें अपने बच्चों को देश प्रेम और शहादत की गौरव गाथा बच्चों को अवश्य सुनानी चाहिए ताकि इस नए जमाने में भी देश के प्रति प्रेम की भावना और देश सेवा की भावना भावी पीढ़ी में जागृत हो सके। हमारा सौभाग्य है कि हम भारत जैसे देश में जन्मे हैं जहां एक मुख्य नारा है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा संसार हमारा परिवार है। जनपद भदोही से पिंटू तिवारी की रिपोर्ट। मैं ग्राम प्रधान सीकी चौरा विकास खंड डीग और डीग के प्रधान संघ के अध्यक्ष मनोज ओझा, गणतंत्र दिवस आज 73वां उत्सव हम लोग मना रहे हैं। मैं सभी ग्रामवासी व देशवासी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं देश की जो आज की नीति है फौज के लिए प्रधानमंत्री द्वारा, यह बहुत ही सुंदर और देश के सैनिकों के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।